कोडू, ये तुम क्या बोल रहे हो? आई, आज आप बीच में नहीं बोलेंगी। जय हिंद। पाटिल, एक एड्रेस भेज रहा हूं, एक टीम लेकर वहां पहुंचो, बहुत जरूरी केस है। किसका एड्रेस है सर? डॉक्टर पुलकित देशपांडे का। ओके सर। तुम लोग वहां पहुंचो, मैं तुम लोग को वहीं मिलूंगा। पुलकित, ये कौन है? मैं माधुरी, इनकी बहन। परसों से मैं इस दिन का इंतजार कर रही थी कि एक बार भाऊ की और आपकी शादी हो जाए, तो मैं आपका यानी मेरी बहनी का स्वागत करूं। पुलकित, तुमने तो मुझे पहले कभी अपनी बहन के बारे में नहीं बताया था। देवयानी, जब हम साथ में थे ना, तब माधुरी नहीं थी, वो मुझे बाद में मिली। कहने को तो ये मेरी मुंह बोली बहन है, लेकिन सगी बहन से भी बढ़कर है। भाऊ, एक मिनट। देवयानी, अब तुम भाऊ के घर यानी अपने घर आने वाली हो, तो दोस्त बन के तुम्हारा ख्याल रखूंगी और बहन बन के प्यार करूंगी। ये मेरा ख्याल रखेगी? और मुझे प्यार भी करेगी जैसे सही करती है? सही, तुम देवयानी का ख्याल रखो, मैं थोड़ी देर में आया। जी मेहता जी। फिराजियो का मैसेज। सही, तुम कहाँ हो? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? देवी ताई तुम्हारे साथ है ना? सॉरी सही, मुझे ऐसे तुम्हारा मैसेज नहीं देखना चाहिए था। लेकिन अब तुम विराट को क्या बोलोगी? अब क्या होगा सही? मेरे साथ जो भी होगा मैं देख लूंगी। पुलकित जी, मुहूर्त का समय हो रहा है। सही, शादी का मुहूर्त शुरू होने वाला है, तुम देवयानी को रेडी करवा दो। जी। पुलकित, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ, पूछो। वो हमारे बच्चे का क्या हुआ? मैं माँ बनने वाली थी ना? देवयानी, हमारी एक बच्ची है, उसका नाम हारिनी है। अच्छा, कहाँ है वो? कहाँ है, बताओ ना, मिलाओ ना मुझे, मिलाओ ना प्लीज। वो बहुत अच्छी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। हमारी शादी के बाद सबसे पहले मैं तुम्हें उससे मिलाऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ताई, चलिए तैयार हो जाइए। अब तक तो सब घर वालों को भी पता चल गया होगा कि मैं और देवी ताई साथ में हैं। पता नहीं अब विराट सर भी क्या करेंगे।
ताई, आप तो बहुत सुंदर लग रहे हो। आपको किसी की नजर ना लगे। थैंक यू सई। हाय, कितनी सुंदर लग रही है मेरी भाभी। किसी की नजर ना लगे। थैंक यू। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। मुझे चलना चाहिए। घर पर वैसे भी सबको पता चल गया होगा कि हम लोग वहां नहीं हैं, और सबने ढूंढना भी शुरू कर दिया होगा, तो मैं चलती हूँ। सही, तू मुझे छोड़ के कैसे जा सकती है? यहाँ पर मेरी तरफ से सिर्फ तू ही है ना। मेरी गंदी आई ने कभी मेरा ख्याल नहीं रखा, लेकिन तू है ना सही। तूने एक आई के जैसे मेरा ख्याल रखा है। अगर तू चली गई ना, तो मैं शादी नहीं करूंगी। नहीं ताई, नहीं, ऐसे नहीं, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है, नहीं जाती। अब मुस्कुरा दो। सच्ची मुच्ची। ये सही नहीं जाएगी, सही नहीं जाएगी। सही मेरी शादी करा के जाएगी ना। हाँ ताई। सही, ये लो। ताई ये सब क्या है? ये साड़ी और गहने भाऊ ने खास तुम्हारे लिए खरीदे थे। थैंक यू। बारात आ गई, बारात आ गई। चलो 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 सही, तू जल्दी से तैयार हो जाओ। ओके। हाँ ताई। अब तक तो विराज सर हमें ढूंढने भी निकल चुके होंगे। किससे बात कर रही हो? पुलकित से। मेरा फोन दीजिए। पहले जो सवाल पूछा है उसका जवाब दो। पुलकित से बात कर रही थी? हाँ, कर रही थी। अब मेरा फोन दीजिए। अरे विराट सर, प्लीज मेरा फोन दीजिए। क्यों? अरे फोन दीजिए प्लीज। मतलब क्या सही उस वक्त भी ताई को भगाने का प्लान बना रही थी? मैं बस दुआ कर रहा हूं कि सही तुम ताई को पुलकित के पास ना ले गई हो। उम्मीद है आई और विराट सर मुझे समझेंगे भी और मुझे माफ भी कर देंगे। तुम्हारी इस हरकत के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा सही। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।